भाई आईएसएल सीजन 6 में कमबैक करने वाले हैं फ्रेडरिको गैलेगो, और ये मेरा नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सिलेक्टर्स का कहना है। ये हीरो इंडियन सुपर लीग का एक ऑफिशियल वेबसाइट्स का कहना है, जहां उन्होंने साफ साफ ये बात लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फ्रेडरिको गैलेगो इनसिंग क्लोजर टू ए फुल फ्लैग रिटर्न, जिसका मतलब ये है कि फ्रेडरिको गैलेगो फुल फिटनेस के साथ आईएसएल सीजन 6 में कमबैक करने वाले है। लेकिन फ्रेडरिको गैलेगो आईएसएल सीजन 6 में कब से खेलने वाले हैं, ये बात बताने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि फ्रेडरिको गैलेगो आईएसएल सीजन 6 में वापसी करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ प्रैक्टिस कैंप में फुल दमखम के साथ जुड़ा हुआ है, और पिछले साल आईएसएल का सेमीफाइनल में चोटिल होने के बाद लगभग 250 दिन के बाद इन्होंने एक फुटबॉल मैच खेला है, जो था दोस्तों एक फ्रेंडली मैच आई लीग क्लब ईस्ट बंगाल के साथ। हालांकि वो मैच गोललेस 0-0 ड्रॉ रहा था, और उस मैच में फ्रेडरिको गैलेगो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कैप्टन भी था, जिससे पता चलता है कि फ्रेडरिको गैलेगो आईएसएल सीजन 6 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में रजिस्टर्ड होने का एकदम सामने खड़ा है। लेकिन भाई यहाँ पर सवाल यह है कि गैलेगो रजिस्टर्ड कब होंगे और किसके जगह होंगे। तो गैलेगो को रजिस्टर्ड करवाने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को फिलहाल के लिए जनवरी ट्रांसफर विंडो तक इंतजार करना होगा, और उसके साथ साथ अपने स्क्वाड में से किसी एक फॉरेनर्स को रिलीज भी करना होगा, क्योंकि भाई रूल्स के लिहाज पर किसी भी टीम कोई भी खिलाड़ी को ट्रांसफर विंडो से पहले रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं, और 7 से ज्यादा फॉरेनर्स को भी अपने टीम में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिलहाल के लिए तो नहीं, लेकिन जनवरी ट्रांसफर विंडो शुरू होने के बाद 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का पहला मैच होगा 2 जनवरी को जमशेदपुर एफसी के खिलाफ, शायद उस मैच में फ्रेडरिको गैलेगो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और अगर इस मैच में गैलेगो नहीं खेलता है तो फिर जनवरी का 8 तारीख को जो एफसी गोवा के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैच होने वाला है, शायद उस मैच में हमें गैलेगो को खेलते हुए दिखाई देंगे। तो भाई आपको क्या लगता है, जनवरी ट्रांसफर विंडो में गैलेगो रजिस्टर्ड होंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को उससे पहले गैलेगो को रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर गैलेगो के बारे में कोई ऑफिशियली अपडेट निकल कर आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर आप फ्रेडरिको गैलेगो का फैन हो या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फैन हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी ऑन कर देना। और इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।